हेलो फ्रेंड्स, यदि आप रिलेशनशिप में हैं, आप कपल हैं, साथ में रहते हैं, तो आपको ये टेंशन हमेशा रहती है कि क्या मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे कौन से 5 लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आपको 5ों लक्षण बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो कॉमन लक्षण है वो है पीरियड मिस हो जाना, यानी कि जैसे ही आपकी पीरियड्स की डेडलाइन खत्म होती है और आपका पीरियड नहीं आता, तो जो सबसे पहले घंटे दिमाग में बजती है वो है प्रेगनेंसी। तो यदि पीरियड मिस किया है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। दूसरा जो कॉमन लक्षण है वो है नॉजिएटेड फील करना, यानी कि उल्टियों का जी करना। किसी किसी को बदबू आने लग जाती है, किसी का जो पहले बहुत अच्छा लगता था चीज़ वो खाने का मन नहीं कर रहा होता है, या उल्टी का जी करने लगता है, या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, या कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो ये जो सारे चेंजेस आते हैं ब्लड के अंदर बीटा एससीजी का लेवल बढ़ने के कारण आते हैं, और ये प्रेगनेंसी का दूसरा सबसे कॉमन कारण है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरा जो कॉमन लक्षण है वो ब्रेस्ट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशंस आना, या उसमें टेंडरनेस यानी कि थोड़ा पेनफुल फील करना। यानी कि ब्रेस्ट के अंदर जैसे ही एंगॉर्जमेंट बढ़ता है, क्योंकि तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। और ब्रेस्ट के अंदर जो कॉमन चेंजेस हैं वो है कि उसमें टिंगलिंग सेंसेशंस आना, पेन फील करना, टेंडरनेस फील होना, और साइज का थोड़ा बड़ा हो जाना, और कई बार प्रेस करने के बाद मिल्क जैसा वाइट लिक्विड भी आने लग जाता है। चौथा कारण है थकान महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, सोने का जी करना, और जो पहले हम अच्छे से काम कर रहे थे वो अभी हमसे नहीं हो पा रहे होते, और हमें लगता है कि पता नहीं बॉडी को कुछ हो गया है। तो कुछ हो गया है वो है प्रेगनेंसी। पांचवा कॉमन कारण दैट इज लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन होना, थोड़ा भारीपन होना, और किसी किसी को यूट्रस का साइज बड़ा हो जाने के कारण यूरिनेशन के अंदर भी तकलीफ आने लग जाती है। यानी कि किसी किसी को पेशाब जल्दी आने लग जाता है या रुक रुक के आने लगता है, क्योंकि जैसे ही यूट्रस का साइज बढ़ता है यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपका यूरिनेशन अल्टर हो जाता है। और जैसे ही यूट्रस का साइज बढ़ता है तो पेडू के अंदर लोअर एब्डोमेन के अंदर भारीपन हो जाता है, किसी किसी को पेट में दर्द भी रहता है और थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो ये सारे जो 5 कॉमन लक्षण मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे पहला है पीरियड मिस करना, दूसरा है नॉजिएटेड फील करना, तीसरा ब्रेस्ट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशंस आना, चौथा है फटीग हो जाना, और पांचवा है लोअर एब्डोमेन पेन एंड अल्टर्ड यूरिनेशन यानी कि यूरिन की छोटी मोटी तकलीफें हो जाना। यदि आपको भी ऐसे कुछ लक्षण फील हो रहे हैं तो आपको फिर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, और यदि प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो डेफिनेटली सोनोग्राफी भी करवा लीजिए, क्योंकि शुरुआती अवस्था में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। चाहे इसे आपको बच्चा रखना है, चाहे आपको बच्चा नहीं रखना है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी कैरी ऑन करती है तो भी बच्चे की हेल्थ जानने के लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है, और यदि आपको अबॉर्ट करना है, टर्मिनेट करना है, तो भी आपको सोनोग्राफी करना ज़रूरी है, और गायनिकोलॉजिस्ट की सलाह से ही आगे का आप कोई भी जो ट्रीटमेंट लेना है उन्हीं की सलाह के साथ आगे बढ़िए, ताकि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएं और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख पाएं। यदि आपके इससे रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।